दोस्तों, ये है हमारी जर्नी का दूसरा पार्ट और आखिरी पार्ट, जिसको कि हम वर्धा जंक्शन के डिपार्टर से लेकर के टाटा नगर तक इसको करेंगे ख़त्म। तो चलिए इस जर्नी के, अहमदाबाद से टाटा नगर के जर्नी को, के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं और इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। तो चलिए, तब तक आप इस वर्धा जंक्शन के डिपार्चर को देखिए और इस सफ़र के मज़े लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग आगे। सो दोस्तों, फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन अपने समय से 20 मिनट पहले। करीब करीब मेरे पास अभी 25 मिनट है, तो मैं यहाँ पे अभी रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब मुझे करना सबसे पहले ये है कि मुझे रात के खाने का इंतजाम करना है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ट्रेन खाना कहीं मिलेगा नहीं। गोंडिया इतना बड़ा स्टेशन है, लेकिन वहाँ पर खाना मिलता नहीं है। उसके बाद दुर्ग और बिलासपुर आएंगे, वो रात में 10 बजे के बाद आएंगे, तो खाना मिलना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे जो भी लेना पड़ेगा खाने का, वो सामान यहाँ से लेना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेशन के बारे में बता दूं कि ये इंडिया के मिडल में पड़ता है, और इंडिया के चारों दिशाओं से जो ट्रेनें आती है उनको जोड़ता है ये। जो भारत का इकलौता डायमंड क्रॉसिंग है वो यहीं है। 6 बजे ट्रेन का डिपार्चर होगा यहाँ से। अगर अंधेरा ना हुआ तो मैं कोई डायमंड क्रॉसिंग दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ से लेता हूँ अपने खाने का सामान और फिर मिलता हूँ आपको गोंडिया या फिर तो दुर्ग, देखते हैं जैसा पॉसिबल रहता है। चलिए, मेरे साथ बने रहिए टाटा नगर तक जर्नी में। मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं कहाँ मिलते हैं। Platform number 8, 02, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गोंडिया जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में घुस जाएंगे और वो हम लोग मिलेंगे सीधा 10:30 बजे रात में दुर्ग स्टेशन पे, अगर मैं जगा रहा तो। वैसे जगह ही रहूँगा 10:30 बजे, तो इतनी रात नहीं होती। और मैं बता दूँ, गोंडिया से जो है आपको बहुत सारी जगह के लिए ट्रेन मिल सकती है, नागपुर के लिए, बल्लर शाह के लिए, बिलासपुर के लिए, बहुत सारी जगह के लिए ट्रेन मिलती है यहाँ से। और ये जो है ये भी सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन वैसे ही यहाँ पे निकलने का टाइम होने वाला है। यहाँ से 2 मिनट का स्टॉपेज था, यहाँ पे 4 मिनट पहले आई थी। तो चलिए निकलते बैठते हैं दोबारा से ट्रेन में, इसका डिपार्चर लेते हैं और मिलते हैं फिर बिलासपुर दुर्ग पे, क्योंकि बाकी जो आगे छोटे मोटे स्टेशन आएंगे वो मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि रात का टाइम है, जैसे किसी कुछ कवर होता नहीं है। तो सीधा मिलेंगे दुर्ग पे, चलिए बनी रही मेरे साथ, मिलते हैं आगे। Thank you.
सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा के स्टील औद्योगिक शहर राउरकेला। ट्रेन हमारी आधा घंटा लेट चल रही है क्योंकि आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कितना फॉग था यहाँ पे, अभी भी है फॉग के अंदर गाड़ी चल रही है। टाटा नगर इसका पहुँचने का टाइम 9:20 का है, हो सकता है 11 बज जाए क्योंकि ट्रेन हो सकता है और लेट करिए अगर आगे फॉग मिला तो। राउरकेला के बाद घाट सेक्शन आता है, वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कितने फॉग में कुछ दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट बगल वाली जो अपनी ट्रैक है उसके बाद से कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए अब मैं आपको सीधा, अब यहाँ से इसके बाद झारसुगुड़ा आएगा स्टेशन, लेकिन मैं आपको सीधा टाटा नगर मिलूँगा। तो अगर कुछ दिखाता हूँ दिखाता हूँ आपको, नहीं तो फिर राउरकेला का डिपार्चर लेते हैं और फिर मिलते हैं टाटा नगर पर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, टाटा नगर पर जर्नी को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ आगे। कॉफी चाय।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टाटा नगर आधे घंटे की देरी से। 9:20 का टाइम था यहाँ पे, 9:50 से पहुँचाया है हमें यहाँ पे। तो जो दोस्तों जर्नी यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं ये वाली, और जल्दी ही दूसरी जर्नी में मिलेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी दूसरी जर्नी में। तब तक टाटा, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं दोबारा।